इमरान खान अगर दोबारा पावर में आ जाते हैं तो क्या वो प्राइम मिनिस्टर मोदी की तरह फेम और पावर हासिल कर लेंगे? एक पल मोदी के बिना नहीं बिता सकते। आपको क्या लगता है कि अगर इमरान खान साहब दोबारा हमारे प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, हमारे लीडर बनते हैं, तो क्या वो इतनी पावर हासिल कर लेंगे जितनी मोदी सरकार? फेमस की बात कर रहे हैं तो इमरान खान साहब पहले ही पूरी दुनिया में उनका नाम है, बिल्कुल फेमस है। और इस मुकाबले अगर मोदी में देखे तो मोदी क्या चीज है, उसके आगे कुछ भी नहीं है, जितने इमरान खान साहब हमारे फेमस है ना। इंटरनेट पर भिखारी सर्च करने पर इमरान खान की तस्वीर आती है, ये सवाल सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इस तस्वीर से उठ रहा है। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि ये पाकिस्तानी मीडिया अपने ही आवाम से पूछ रही है कि यदि इमरान खान फिर से एक बार पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो क्या वो मोदी जी से पूरी दुनिया में ज्यादा पावरफुल बन जाएंगे, या पूरी दुनिया में इमरान खान को मोदी जी से ज्यादा मान सम्मान और इज्जत मिल सकता है। वैसे देखा जाए तो इस पाकिस्तानी मीडिया का सवाल ही गलत है, क्योंकि एक बार तो छोड़ो, यदि वो 100 बार भी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर चुने जाते हैं फिर भी वो मोदी के बराबरी नहीं कर पाएंगे। वैसे पाकिस्तानी आवाम को बता दूं कि जब इमरान खान पाकिस्तान के पहली बार मिस्टर बने थे तो लोगों ने गूगल पे इमरान खान को भिखारी नाम से सम्मानित किया था, लेकिन अब इमरान खान को पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से हटाने के बाद पाकिस्तान सरकार की ये महिला मंत्री देखिए जनता के साथ मिलकर इमरान खान को कैसे लतार रही है। महंगाई है और इमरान खान जो IMF के हाथों पाकिस्तान को गिरवी रख गया, अगर यकीन मानो मैं खुदा की कसम खाकर कहती हूँ, अगर पाकिस्तान के दिवालिया होने का, आपके और मेरे मुल्क के दिवालिया होने का खतरा ना होता तो हम मर जाते, ये कीमतें कभी ना बढ़ाते। और मैं ये भी नहीं कहूंगी कि आज अमेरिका में भी महंगाई है, बर्तानिया में भी महंगाई है, और अगर महंगाई है तो आवाम 2 रोटी से 1 रोटी कर दे। मैं कभी ये नहीं कहूंगी, मैं संदिग्ध नहीं हूं। मैं ये चाहती हूं कि मेरी आवाम 3 वक्त का खाना पेट भर कर खाए, और इंशाल्लाह भरोसा रखना कि वो वक्त आएगा इंशाल्लाह ताला। दोस्तों पाकिस्तान का हालात आप इस बात से समझ सकते हैं कि ये जो पाकिस्तान की मंत्री है जिसका नाम मरियम नवाज है, ये कह रही है हम पाकिस्तान के लिए ऐसा दिन जरूर लेके आएंगे जिससे पाकिस्तानी आवाम को 3 वक्त की रोटी जरूर मिलेगा, और पाकिस्तान की इस हालात के लिए वो इमरान खान को जिम्मेदार मान रही है। कि जो तकलीफों से आज आपको गुजरना पड़ रहा है, मैं आपसे वादा करती हूँ कि हम अपनी जगेंगे मगर उन तकलीफों से आपको निजात दिलाकर रहेंगे इंशाल्लाह ताला। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, प्लीज शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब चैनल, बिकॉज इट्स फाइट अगेंस्ट पाक मीडिया।